समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। उनके साथ पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इस बार अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने से रोकने के लिए सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन का रास्ता निकाला है। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन पर आधारित हमारा डॉक्यूमेंट जनता को समर्पित है। हम सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन के विचार के साथ चुनाव में उतरे हैं। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन पर आधारित हमारा डॉक्यूमेंट जनता को समर्पित है। अखिलेश ने कहा कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को ठीक के कुछ सही नहीं हो सकता है। देश में GST लागू होने से व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से व्यापारी उभर भी नहीं पाए थे कि GST ने उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के लिए एक साथ आना होगा। हम तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होने के पक्ष में है। बिना महिलाओं को बराबर का सम्मान दिए विकास अधूरा है। घोषणा पत्र के बारे में उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन को जनता के बीच ले जाने का काम इस किताब के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे दल की विचारधारा के क्या विचार हो उसको लेकर जनता के बीच आ रही है। आज अमीरी गरीबी की खाई इतनी ज्यादा हो गई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देश में चुनाव अपनी गति से चल रहा है। सपा बसपा RLD गठबंधन जनता से सीधा संवाद कर रहा है। बिना सामाजिक न्याय के गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। केंद्र की सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रही है। बिना इसको बताए देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता है। महागठबंधन का घोषणा पत्र कितना कारगर साबित होगा ये तो 23 मई को चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।